साइकिल की हवा निकल गई। बाबा घंटा बजाएंगे पर अखिलेश जैसे नेताओं का, जो अपने बाप का ना हुआ क्या नाम जनता का क्या होएगा अखिलेश, ये होता है। हम तो भैया योगी के हैं और योगी के ही रहेंगे। जाटों के जब काम ना आया जैन तो अब क्या काम आएगा। वो तो वैसे ही है, एक आध मंत्रालय मिल जाए 10-5 सीट आ जाए, इस चक्कर में जैन चौधरी। और नींव रखी थी तो बना क्यों ना पाए, अपनी योजना में बना क्यों ना पाए, वो तो ले जा रहे। धीरेन्द्र सिंह को देंगे जी बीजेपी के विधायक। हमारे नेता ये है जो ठाकुर धीरेन्द्र साहब है, वो हमारे बिल्कुल अपने निजी अपने हैं। अच्छा। कोई ये नहीं है हिंदू मुसलमानों का, कोई भेदभाव नहीं है। धीरेन्द्र सिंह बीजेपी से। हाँ जी, सब बहुत पक्की करवा दिया, हर चीज को समाधान करवा दिया उन्होंने, बहुत बढ़िया काम कराए। जहाँ यादव हो गए, यहाँ कोई यादव फ्यादव नहीं है, यहाँ तो भाई धीरेन्द्र सिंह जिंदाबाद है। अच्छा। काम करते हैं, पब्लिक की सुनते हैं, सबकी समस्या का निर्धारण करते हैं। जी हर बार बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, सब फूल पे डालेंगे। अच्छा। और बीजेपी की जीत होगी। हाँ। बहुत तरक्की करी बीजेपी ने, कोई कर नहीं सकता, 300 पार जाएगा बीजेपी का। सरकार इसी की मोदी की बननी चाहिए, मोदी जी सब काम बढ़िया कर रहे हैं। अजी आएंगे क्यों नहीं, जब जब जनता उन्हें बुला रही है उनसे खुश है तो आएंगे, 100 बार आएंगे। बहुत खुश है, बहुत फिर आएगी, आएगी मोदी जी आएंगे, योगी जी भी आएंगे, योगी जी ने बोला था हम फिर आएंगे। बीजेपी क्यों? हाँ क्यों, बीजेपी ने करा है, बीजेपी ने तो वो कर दिया जो और कोई कर ही नहीं सकता। अखिलेश जी होते हो सके दिन कितनी जनता मर जाती है अब तक। 325 सीट आएंगी योगी जी की, अखिलेश की 40-45 सीट बस। वो सैफई में डांस वांस करवा दे ना, हमारे आ जाएंगे 40-45। अरे उनकी कहा है तो सैफई में जन्मदिन मना में सरकार का पैसा वाला में टैक्स के फ्री में, तो हमारे योगी आएंगे। अतीक अहमद मुख्तार अंसारी सब पहुँच जाती है ठिकाने पे। हम बीजेपी के सपोर्टर, हम चाहेंगे कि बीजेपी आ। ठाकुर धीरेन्द्र सिंह हमारे यहाँ से हैं और आगे के लिए योगी जी को। जेवर में मैं इस वक्त हूँ, इलेक्शन आने वाले हैं तो लोगों के साथ हम लोग बातचीत कर रहे हैं डोर टू डोर, जो मैं लगातार आपके साथ बनी हुई हूँ। इसके साथ में मैं नोएडा भी गई थी, जब भी मैंने आपको बताया था घर घर जाके लोगों से बातचीत की थी, दिखाया था कि क्या उन लोगों की सोच है और किसको वो वोट देना चाहते हैं। ऐसे इस वक्त मैं जेवर में हूँ। जेवर में मैं एक ये मार्केट जैसा आपको लग रहा होगा, यहाँ पर हम लोगों से राय जानेंगे उनकी कि उनका क्या कहना है। भैया अभी मेरे को दिखे अमरूद बेच रहे हैं, इनका ठेला है, क्या नाम है आपका? राशिद मोहम्मद जी। अच्छा, तो आप क्या कहेंगे सर, जेवर से आप हैं, किसको वोट देना चाहते हैं, कौन जीतना चाहिए? धीरेन्द्र सिंह को देंगे जी, बीजेपी के विधायक है। अच्छा, बीजेपी के विधायक है, धीरेन्द्र सिंह को देंगे जी। जी कैसा काम कर रहे हैं वो? काम बढ़िया कर रहे हैं जी। बढ़िया कर रहे हैं जी। अच्छा, इससे पहले कोई सरकार जब थी आपको लगता था कि उन्होंने अच्छा काम किया था जेवर में? ना जी, जेवर ने कहा था, अब काम हो रहा है, बढ़िया हो रहा है जी। जी जी, अखिलेश यादव तो खुद को जैसे मुस्लिमों का हितैषी बताते हैं, आपको लगता है मुस्लिमों के लिए काम किया? हमारे नेता ये है जो ठाकुर धीरेन्द्र साहब हैं, वो हमारे बिल्कुल अपने निजी अपने हैं। अच्छा। कोई ये नहीं है हिंदू मुसलमानों का, कोई भेदभाव नहीं है। अच्छा, तो धीरेन्द्र सिंह को आप अपने जैसा मानते हैं, निजी आपके नेता हैं? हाँ जी। तो मुस्लिम खुश है उनसे? खुश है जी। अच्छा, तो इस बार भी बीजेपी जीतेगी? ये तो पता ना, तो देखो जैसा भी हो। आप किसको जिताना चाहते हैं? हम तो इन्हें धीरेन्द्र सिंह को जिताना चाहते हैं जी। धीरेन्द्र सिंह को जिताना चाहते हैं? देखिए धीरेन्द्र सिंह जिनका गढ़ है ये जेवर से ही लगातार चुनाव लड़ते आए हैं। 2017 में लड़ा था तो काफ़ी भारी मात्रा में वोट उन्होंने हासिल किए थे जेवर से। तो यहाँ पर लगातार मैं लोगों से पूछ रही हूँ, लोगों की जो पसंद है वो धीरेन्द्र सिंह ही हैं और धीरेन्द्र सिंह को ही वोट देने की बात यहाँ पर लगातार लोग कर रहे हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? शिवचरण। क्या नाम है? शिवचरण। शिवचरण, अच्छा शिवचरण जी, आपके विधायक कैसा काम कर रहे हैं? सही काम कर रहे हैं। सही कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, क्या लगता है किसकी इस बार सरकार बनेगी? अब ये तो पता नहीं किसकी बने। हाँ। ये तो आप किसको जिताना चाहते हैं, आपके लिए कौन काम करता है? यही काम करते हैं हमारे, तो धीरेन्द्र सिंह काम करते हैं। हाँ। अच्छा, तो जिताना चाहते हैं फिर से? तो जीतेंगे, यही जीतेंगे, यही जीतेंगे। चलिए, अंकल जी भी कह रहे हैं कि यही जीतेंगे और उन्हीं को हम जिताएंगे। अंकल जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहब भगवान साहब। अच्छा, आप किसको जिताना चाहते हैं इस बार जेवर से? जेवर से तो यही जीतेंगे, और कौन जीतेगा? कौन? विधायक साहब ही। विधायक साहब नाम बता दीजिए, कौन सी पार्टी से हैं? धीरेन्द्र सिंह बीजेपी से। हाँ जी। अच्छा, काम बढ़िया कर रहे हैं? काम ठीक कर रहे हैं। सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम दुष्यंत त्यागी है जी। अच्छा, जेवर से ही हैं? जेवर से ही जी। अच्छा, कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर, बहुत बढ़िया काम कर रहा। बढ़िया काम जी जी। क्या क्या उन्होंने विकास कार्य किए? सब बहुत पक्की करवा दिया, हर चीज को समाधान करवा जी उन्होंने, बहुत बढ़िया काम कराए। बढ़िया काम करा जी। अच्छा, तो अगर धीरेन्द्र सिंह के अलावा कोई विधायक होते तो वो इतना कर पाते? शायद ना कर पाते जी, आते भी ना ये क्षेत्र के, इसलिए आ जाएं जी। अच्छा। और तो आते भी ना कोई बाहर को, तो वैसे भी। हाँ। ये जो जेवर की जनता है वो चाहती है कि धीरेन्द्र सिंह ही रहने चाहिए जी। अच्छा। जीतेंगे भी, जीतेंगे। हाँ, रहे भी और रहेंगे भी। अच्छा। हाँ जी, तो मतलब आप लोग इतना खुश है उनसे? अखिलेश यादव जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, बेकार है जी, बेकार है, बेकार।
अखिलेश यादव कोई काम नहीं करते ना, कुछ ना, बेकार, 5 साल बेकार करे, 5 साल बेकार करें। बेकार हाँ, तो इस बार नहीं आ पाएंगे ना जी? ना योगी बाबा, हाँ बाबा आएंगे जी। अच्छा, बाबा वर्सेस बबुआ बहुत हो रहा है, बाबा सिर्फ बाबा, सिर्फ बाबा, सिर्फ बाबा। अच्छा हाँ जी, चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है अंकल जी? मेरा नाम बजेंद्र है जी। अच्छा, आपको क्या लगता है बाबा योगी आदित्यनाथ कैसा काम कर रहे हैं? बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, इससे क्या बढ़िया कर दिया? कौन सा घटिया करो बताओ, आपकी नज़र में कौन सा काम घटिया है? मेरी नज़र में तो नहीं, आप लोग बताइए, क्योंकि अखिलेश यादव तो बोलते हैं बाबा कोई काम नहीं करते हैं, बाबा को उनके यादव हो गो, यहाँ कोई यादव फ्यादव नहीं है, यहाँ तो भाई धीरेन्द्र सिंह जिंदाबाद है। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि बाबा को उनके घर भेज दिया बीजेपी ने, अब बाबा नहीं आएंगे। अब कोई कुछ भी बोलो, कोई कुछ भी बोलो, आप लोग लाएंगे वापस? बिल्कुल, किसी से बात करके देखो, मेरे सवा और भी खड़े। अच्छा, तो यहाँ के लोग इतने खुश है धीरेन्द्र सिंह से? बिल्कुल। क्यों खुश हैं आप लोग? काम करते हैं, पब्लिक की सुनते हैं। अच्छा। सबकी समस्या का निदान करते हैं, बस और क्या। कभी ऐसा हुआ कि इसी वर्ग के लोगों पर ध्यान दिया जा रहा है? उस वर्ग के सब वर्ग के लोगों पर ध्यान देते हैं लोग। अच्छा, सब वर्ग के लोग ध्यान देते हैं। अब भी देखो, जाके देख लो, अब भी 50-40 आदमी बैठे होंगे अपनी समस्या लेके, सबको समाधान करते हैं, सबकी सुनते हैं बेटा, सबकी सुनते हैं। जेवर की जो जनता है वो मुझे काफी खुश नजर आ रही है धीरेन्द्र सिंह के कामों से। क्या नाम है? उमेश भाटी। अच्छा, आप भी चाहते हैं बीजेपी की सरकार बननी चाहिए फिर से? और क्या, क्यों ना बननी चाहिए, हर बार बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, हर बार बननी चाहिए और क्या। अच्छा, अरे आरएलडी के जो हैं जयंत चौधरी, उन्होंने तो गठबंधन कर लिया, इससे आपको नहीं लगता जाट वोट उन्हें वोट देंगे? नहीं मिलेगा जी, सब फूल पे डालेंगे। अच्छा। और बीजेपी की जीत होगी, बहुत तरक्की करी बीजेपी ने, कोई कर नहीं सकता। हाँ जी, अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं कि मैंने तो अब जयंत चौधरी के साथ गठबंधन कर लिया, तो जाट कोई नहीं पूछ रहा जी उसे। जीरो बटा जीरो। हाँ जी, हाँ जी, कुछ नहीं आएगा, 300 पार जाएगा बीजेपी का। बीजेपी का 300 पार? जाट समुदाय है बीजेपी के साथ? और क्या, पूरा मुस्लिम भाई हैं, जाट हैं, सब हैं, सब ब्रादर लगी हुई है बीजेपी के साथ। अच्छा। हाँ, काम कर रहे हैं इसलिए? हाँ जी, काम कर रहे हैं, सड़क बनवाई, स्कूल बनवाए, कॉलेज बनवाए, गुंडागर्दी खत्म कर दी बीजेपी ने, और क्या चाहिए आपको? तो माफिया को अभी भी टिकट दे रहे हैं? देने ले चलेगा नहीं, रावण राज वो नहीं चलेगा। ठीक है, आपका क्या नाम है जी? मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ। मैं कहा तो सरकार बता दीजिए कौन सी बननी चाहिए? सरकार इसी की, मोदी की बननी चाहिए जी, मोदी जी की बननी चाहिए। क्या कर रहे हैं मोदी जी? मोदी जी सब काम बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या? वो भी बहुत बढ़िया है जी। हाँ जी, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि उन्हें उनके घर भेज दिया गोरखपुर, अब नहीं आएंगे योगी आदित्यनाथ? अजी आएंगे क्यों नहीं, जब जनता उन्हें बुला रही है, उनसे खुश है तो आएंगे, 100 बार आएंगे। हाँ जी, जनता खुश है योगी जी? खुश है जी, खुश है, बहुत बड़ी, बहुत खुश है, बहुत चाहते हैं फिर से आनी चाहिए। फिर आएगी, आएगी, मोदी जी आएंगे, योगी जी भी आएंगे, योगी जी ने बोला था हम फिर आएंगे। योगी जी ने बोला था हम फिर आएंगे। कितने वोट, कितनी सीट, कितने वोट मिलेंगे इस बार? अब तो इस बार ज्यादा ही मिलेंगे ना, सड़क बननी है, कॉलेज बनने हैं। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? प्रताप सिंह। अच्छा, किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी। बीजेपी क्यों? हाँ क्यों, बीजेपी ने करा है? क्या काम करा है? कोई काम तो वो कहा दिखावेगा, वो अपने एरिया में दिखाता है, यहाँ क्या दिखावेगा, यहाँ तो आता भी नहीं है वो, नहीं आता यहाँ। अच्छा, उनके नेता कोई काम नहीं करते क्या? पिटने लायक है नेता वो तो, बिल्कुल। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि जयंत चौधरी के साथ गठबंधन कर ले, जाट मेरे तरफ आ जाएंगे, अखिलेश की तरफ चले जाएंगे? कोई ना जावेगा, सबको पता क्या होना क्या नहीं होना। अच्छा, तो जाट समुदाय है बीजेपी के साथ? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। किसान आंदोलन की वजह से कहा जा रहा था कि जाट नाराज है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो तो सब एक दूसरे के साथ लगते ही है। आपको क्या लगता है आपके क्षेत्र में काम हुआ? बिल्कुल, इस बार जीतेंगे फिर से? बिल्कुल जीतेंगे। योगी जी गोरखपुर से लड़ रहे हैं, तो अखिलेश यादव बोल रहे हैं की बात है, वो अपने क्षेत्र से लड़ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है ये तो। अखिलेश यादव बोल रहे हैं उनके घर भेज दिया, अब नहीं आएंगे वापस? ना तो तू उल्ली साइड में आ जा, तू हाँ तू पश्चिम साइड में आ जा, या यहाँ आता है तू एक टिकट वो ले जा सीट। हाँ ठीक है, आपका क्या नाम है? नहीं अरे बोल लीजिए। हाँ बोलिए, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार तोमर। अच्छा, क्या बोलना चाहेंगे, कैसे काम कर रही है बीजेपी? बीजेपी ने वो काम किया जिसने आज तक किया नहीं है। जी हाँ। अच्छा, क्या किया है गिनवा दीजिए? रोड है, लाइट है, पानी है, और फिर 2-3 साल से फ्री राशन मिल रहा है। कौन सी सरकार ने दिया आज तक? किसी ने और राशन नहीं दिया? राशन कौन सी पार्टी ने दिया बताओ मुझे आप? कौन सी सरकार ने दिया आज तक, दिया किसी ने? वो डबल राशन दे रहे हैं जिस दिन से कोरोना वगैरह चला है। लेकिन विपक्ष के लोग तो बोलते हैं कोरोना में बहुत मौतें हुई हैं, बीजेपी नहीं संभाल पाई थी।
बीजेपी ना संभाल पाई, बीजेपी ने तो वो कर दिया जो और कोई कर ही नहीं सकता। अखिलेश जी होते हो सके दिन कितनी जनता मर जाती है अब तक। अच्छा तो आप चाहते हैं फिर से योगी जी की सरकार? योगी जी की आएगी, निखर के आएगी। हाँ हाँ, अखिलेश नहीं आएंगे? अखिलेश जी तो बोलो, उन्हें तो 400 बार बोल रहे हैं इस बार अखिलेश। अरे 400 बोल, वो 4 वोट भी लिया मैं तो गारंटी है। हाँ गठबंधन कर रहे हैं, गठबंधन से इनको तो कौन पूछ रहा है गठबंधन है? अच्छा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। योगी जी आएंगे, योगी जी आएंगे। आप क्या कहेंगे, कौन आना चाहिए? 325 सीट आएंगी योगी जी की। 325 सीट कम से कम। अच्छा, और अखिलेश किस किस आंकड़े से बोल रहे हैं 400 बार? अखिलेश की 40-45 सीट बस। 40-45 बस। अच्छा, और सैफई में डांस वांस करवा देना, हमारे भी आ जाएंगे 40-45। सैफई से आ सकती? हाँ, उधर आएंगे पूर्वांचल से पल्ली तरफ को, सैफई में 2-4 जिले हैं जो। अच्छा, योगी जी बोल रहे थे 80-20 चल रहा है, तो अखिलेश सही 80% में योगी जी हैं। अच्छा, और अखिलेश तो बोल रहे 80% जनता उनकी तरफ है और 20% जनता बीजेपी से नाराज है। वो उसका दिमाग चल गया अखिलेश यादव का, कुछ भी बोल सके वो तो। अच्छा, हाँ कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ लगता नहीं दोबारा आप चुनाव योगी बस बोलते हैं 22 में 22। अरे उनकी कहा है तो सैफ ही में जन्मदिन मना में सरकार का पैसा वाला में टैक्स के फ्री में। तो इस हमारे योगी अंग बोलते हैं योगी आदित्यनाथ पढ़े लिखे नहीं है, लैपटॉप चलाना नहीं आता, मोबाइल चलाना नहीं आता, क्या सरकार चलाएंगे? तो चलाना भाई बुलडोजर उन पे, तो सीधा चुतवा दें बिल्डिंगों। अतीक अहमद मुख्तार अंसारी सब पहुंच जाती है ठिकाने पे। तो बुलडोजर चलाने वाले मुख्यमंत्री चाहिए? बाबा चाहिए, योगी बाबा, बाबा बस बस। बबुआ नहीं चाहिए? ना ना, फ्रॉड ना चाहिए, योगी बस। बबुआ नहीं चाहिए क्या? नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं चाहिए बबुआ? बाबा पढ़े लिखे हैं, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के हैं। सीएम मोदी, सीएम योगी, योगी जी चाहिए। चलिए, आपका क्या नाम है? अनिल कुमार। अनिल जी, जेवर में कैसा काम हो रहा है, बीजेपी कैसा काम कर रही है? सही हो रहा है, लगातार कार्य हो रहा है, और जेवर एयरपोर्ट की नींव भी रख चुकी है 25 नवंबर को, और मोदी योगी एवं यहाँ के स्थानीय विधायक जी भी मौजूद थे, और लगातार कार्य प्रगतिशील है। उसके साथ साथ यमुना थोटी पे लगातार कार्य हो रहा है, और लगातार मेरा ये है कि लगातार सरकार बदलती रहनी चाहिए, डिक्टेटरशिप नहीं होना चाहिए, जिससे कि लोगों का भला हो। और मैं किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं हूँ, मैं सिर्फ लोगों के कल्याण के बारे में सोच रहा हूँ। तो मेरा ये मानना है, व्यक्तिगत राय है, कि कोई भी दे मत दे, अपने वजूद पे दे, ना कि किसी दबाव में दे, क्योंकि ये आपका मत है, आपके खड़े उतरना चाहिए, ये आपकी वोट है। आपको लगता है अभी जो सरकार है यहाँ पर, जैसे धीरेन्द्र सिंह जी हैं विधायक, वो काम कर रहे हैं या नहीं, वो फिर से बनने चाहिए या नहीं? मैं तो नहीं कह सकता कुछ भी, बाकी करेंगे अच्छी बात है, और बनेंगे बहुत अच्छी बात है, बनने चाहिए, हमारे स्थानीय रबूपरा के हैं वो, तो बनेंगे, मेरी तो यही उम्मीद है। हाँ गरीबों के मसीहा, हाँ वो जैसे किसी पे मकान वकान के लिए जगह ना जमीन दे रहे हैं 50-100 गज का बना लो मकान वकान अपना, गरीबों की मदद कर रहे हैं, गरीब लड़कियों की शादी करवा में, और क्या चाहिए, फ्री अनाज दे में लॉकडाउन में। ओ, जनता काफी खुश है जेवर, एकदम धीरेन्द्र सिंह जी जीतेंगे बस। धीरेन्द्र सिंह जी जीतेंगे, 11 बजे जीत के घर को आ जाएंगे। हाँ आपका क्या नाम है? जैद। अच्छा जैद, हाँ जी। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? हम तो यही चाहेंगे योगी जी जीते। योगी जी जीते? हाँ जी। क्यों योगी जी? हाँ बीजेपी के सपोर्टर हैं जी हम। बीजेपी के सपोर्टर हैं? हाँ जी। अखिलेश जी को सपोर्ट नहीं करते? नहीं बिल्कुल नहीं। अखिलेश जी तो कहते हैं मुस्लिमों के वोट उनकी तरफ जाएंगे सारे। नहीं नहीं, बीजेपी की तरफ है, अखिलेश यादव है, हम बीजेपी के सपोर्टर, हम चाहेंगे कि बीजेपी जी। आप चाहते हैं बीजेपी आनी चाहिए? इस बार भी बीजेपी आ जानी चाहिए। इस बार भी बीजेपी आनी चाहिए। बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो टोंटी चोर है, टोंटी उखाड़ कर लेगा अपने घर में से, सरकारी आवास में टोंटी लेगा चुरा के अपने घर को। हाँ इसलिए इस बार वोट चुराने का इरादा है। हाँ योगी जीतेंगे, वोट वोट कोई ना जा रही, सब एक तरफा, योगी को जाएंगे, योगी जी को। पश्चिमी उत्तर प्रदेश सारे वोट योगी को। अच्छा पहला चरण वैसे यहीं से है, तो आपको लगता है पहले चरण में बाजी मार लेंगे? सपा एकदम साफ है पहले चरण में, यहाँ से पहले चरण में साफ है सपा। हाँ बीजेपी 100 कितने सीटों का चुनाव है इसमें, अभी पहले चरण में 58 में कम से कम 55 सीट आएंगे बीजेपी की। अच्छा 55 सीट है बीजेपी की, बीजेपी की तय एक तरफा। अच्छा, और बाकी किसकी तरफ जाएंगे? बाकी कुछ ना, एक आध आ जाएगी उसकी, अखिलेश की, एक आध लोकदल की, बस और ना आएंगे, बस और नहीं आएंगी। आपका क्या नाम है? राशिद। राशिद, हाँ जी। राशिद आप किसको चाहते हैं जिताना इस बार? ठाकुर धीरेन्द्र सिंह हमारे यहाँ से हैं, और आगे के लिए योगी जी को। योगी जी को जी। अच्छा, योगी जी काम करते हैं क्या मुस्लिमों के हित में काम करते हैं? जी जी, हमारे विधायक जी भी काम कर रहे हैं और वो भी काम करते हैं। 2.5 लाख रुपए दिए सब मुसलमानों दिए, हिंदुओं दिए, सभी दिए, थोड़ा ना एक जात देख के दिए 2.5 लाख। अखिलेश यादव तो MY की राजनीति, मुस्लिम यादव की राजनीति अभी भी कर रहे हैं वही, जो हमारे यहाँ जो काम करा रहे हैं ना, पूरा धीरेन्द्र सिंह भी जी काम करा रहे हैं और योगी जी भी। जी काम करा रहे जी। तो मुस्लिम पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो मुस्लिम है वो चाहते हैं कि फिर से बीजेपी सरकार? जी 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 जी, जीतेंगे फिर से जी। जो अपने बाप का ना हुआ, क्या जनता का क्या होएगा अखिलेश? ये होता है, और इस
इस बार तो रूठ जा उसका, कभी आप रूठ जाए, कभी चाचा दूसरी पार्टी में चला गया, जो उनका परिवार में ही एकता ना है वो पब्लिक में क्या लाएगा, क्या प्रदेश में क्या? तो चाचा से तो गठबंधन हो गया। तो एक बात हो, पहले तो उसकी पार्टी में थे ना, एक ही पार्टी में थे ना, गठबंधन अलग पार्टी क्यों बनाई, अलग पार्टी क्यों बनाई, गठबंधन बना लिया, पता है ना कि बाबा उन पर हारेगा नहीं, तो गठबंधन कर लो, दुनिया भर की पार्टी को जोड़ लो, कुछ तो सीट निकाल पाएंगे। पर भैया कुछ भी ना होएगा उनका, जो 17 में हुआ उससे अच्छा और 2022 में होएगा। उनकी बहू जो है, छोटे बेटे की जो बीवी है अपर्णा यादव, वो भी बीजेपी में शामिल। उसकी न्यूज देखी थी पहले, देखी थी कुछ टाइम पहले, जो डोल रही थी गाड़ी में बैठ के शॉर्ट्स पहन के, वो क्या करेंगे बताओ, वो क्या करेंगे बताओ, उनकी राजनीति आज तक समझ में आई है किसी का? गंदी राजनीति है उनकी बस। अच्छा। ठीक है, हम तो भैया योगी के हैं और योगी के ही रहेंगे। अच्छा, जाट समुदाय खींच पाएंगे? योगी का है जयंत चौधरी, जाट समुदाय खींच पाएंगे भैया? वो क्या खींचेंगे बताओ, वो अपनी आज तक एक आध सीट तो निकाल ना पाए, वो क्या खींचेंगे बताओ। मैंने कहा जाटों का ठेका ले रखा है कहीं ना, जब मुजफ्फरनगर में दंगे हो गए तो जयंत चौधरी कह रहे हैं कि जाटों के जब काम ना आया जयंत, तो अब क्या काम आएगा? वो तो वैसे ही है, एक आध मंत्रालय मिल जाए, 10-5 सीट आ जाए, इस चक्कर में जयंत चौधरी। अभी भी ज्यादा जाटों को वैसे टिकट दिया नहीं है उन्होंने, कोई सारे जाट हमारे बीजेपी को जाएंगे यहाँ पूरे, इसमें पूरे गौतम बुद्ध नगर जिले में सारे जाट जी बीजेपी का है। जो बात है हमारे विधायक साहब का है, विधायक साहब ने हमारे यहाँ बहुत काम किया है। ठीक है, तो यही है, हमारे एयरपोर्ट बनवा दिया इन्होंने, एयरपोर्ट ले आए, एयरपोर्ट के लिए भी कह देंगे। वो तो कि नींव उन्होंने रखी थी, बाबा तो रिबन काट गए। किन्ने रखी थी नींव? अखिलेश यादव ने तो नींव रखी थी, तो बना क्यों ना पाए अपनी योजना में, बना क्यों ना पाए, वो तो ले जा रहे, वो तो हमारे क्या नाम है सांसद साहब ने रोका। ठीक है, नहीं तो ले जा रहे सैपई को, वो बस सैपई में कर लो कुछ भी। बर्थडे आवे तो वहाँ दुनिया भर की नाचे हैं। अरे भैया हमारे तो बाबा ठीक है, ठीक है हाँ, बाबा को तो बोलते जाके घंटा बजाए मंदिर में। अरे बाबा ने गुंडान को घंटा बजा दियो, घंटा तो बजाएंगे। अखिलेश की हवा निकल गई, साइकिल की हवा निकल गई। हाँ बाबा को तो कहते मठ में बैठे पहाड़ों में चले जाए, क्यों? अखिलेश के बच्चे दिल्ली के सबसे बड़े उसमें पढ़ते हैं स्कूल में। ठीक है, अखिलेश दिल्ली में रहता है, अच्छी कोठी सैपई में जाके देखो बाबा जी के पास क्या है, ये बताओ क्या उसके पास में जनता है। ठीक है, बाबा तो बस 400 रुपए के धोती कुर्ते पहने बाबा, बस चप्पल पहने 100 रुपए की हवाई, और तो कुछ पहने ना। उसके कपड़े भी लंदन से आए अखिलेश के। अच्छा। मायावती वाला हाल अखिलेश का भी, बाबा घंटा बजाएंगे पर अखिलेश जैसे नेताओं का। अखिलेश जैसे नेताओं का? हाँ। आप किसको देंगे वोट? बीजेपी को। बीजेपी को है जी सारी वोट, बीजेपी बीजेपी को ही देंगे सारे वोट। देखिए यहाँ पर देखिए ज्यादातर जो समर्थन है वो बीजेपी की तरफ है, जो झुकाव है जनता का वो बीजेपी की तरफ है। और ठाकुर धीरेंद्र सिंह जो यहाँ के विधायक है, यहाँ के लोगों के लिए बहुत काम करते हैं और यहाँ के लोग उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। सभी का यही कहना है कि धीरेंद्र सिंह ने जितना काम किया है, कोई भी विधायक यहाँ पर आ जाए किसी भी पार्टी का, वो नहीं कर पाएगा और ना ही किसी ने किया है। तो यहाँ पर जो रुझान मैं देख पा रही हूँ, लोगों की जो सोच है और लोगों का जो झुकाव है वो बीजेपी की तरफ ही है। और पूरे जो गौतम बुद्ध नगर जिला है, पूरा क्षेत्र जो है, यहाँ से बीजेपी ही आएगी, इन सब का भी यही मानना है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, धन्यवाद।